रोड नहीं बन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विधेयक वन संरक्षण और संवर्धन विधेयक पर मुझे अपना विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपने देश के हिसाब से लक्ष्यों को तय करने के पूरा करने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे जो एनडीसी के तीन लक्ष्य हमने तय किए हैं, विशेष रूप से क्वांटिटेटिव और 5 क्वालिटेटिव लक्ष्य तय किए हैं। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी है कि 3 में से 2 लक्ष्यों को भारत ने समय से 9 साल पहले प्राप्त किया है। जो हमारा तीसरा लक्ष्य है वो देश के कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है, और उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री को, ट्री कवर को, वानिकी को बढ़ाया जाए ताकि पारिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरणीय सुरक्षा को, बायोडायवर्सिटी को मजबूत कर सके। और आज ये बिल उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया जा रहा है जो दुनिया के लिए भी बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, जब हमारे देश का संविधान बना तब जो फॉरेस्ट का विषय था ये राज्यों की सूची के अंतर्गत था, बाद में इसको केंद्र की सूची में लाया गया और अब ये संवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय आता है। इसी के अंतर्गत 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। परिस्थिति जब पैदा हुई जब सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1986 के निर्णय 1996 के निर्णय में ये कहा गया कि फॉरेस्ट का अर्थ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट होगा। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट करने से जो एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं, विसंगति पैदा हुई कि जो ऐसी भूमि थी जो राजस्व भूमि के रूप में अंकित थी लेकिन जहां पर फॉरेस्ट विद्यमान था, सरकारी बिल्डिंग और स्कूल जैसी चीजें विद्यमान थी, वो फॉरेस्ट के दायरे में आई और वहां पर सारा विषय और विकास रुक गया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि झारखंड में अगर फॉरेस्ट की ऐसी राजस्व भूमि के रूप में दर्ज अगर कोई विद्यालय है और लड़कियों का विद्यालय है तो वहां पर बिना परमिशन के शौचालय भी नहीं बना सकते थे। अतएव हमारे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो पब्लिक यूटिलिटी के विकास के कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए इस बिल को अब समय अनुकूल बनाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में ही संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर विचार किया। संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी में 1309 के करीब इसके अंतर्गत ज्ञापन आए और जो संयुक्त पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी उसने देश के विभिन्न भागों में जाकर के दौरा किया, विशेष रूप से हमारे देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां जाकर के दौरा किया और देश का एक बड़ा जो हमारा जनजाति समाज का जहां पर रहता है लेकिन वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो पीड़ित क्षेत्र है वहां का जाकर के दौरा किया। और जाने के बाद एक ही विषय ध्यान में आया कि वहां पर जो अंतिम स्तर पर आदमी रहता है उस पर विकास की धारा को पहुंचाने के लिए, उस पर सड़क को पहुंचाने के लिए, उस पर सम्मानजनक जीवन को पहुंचाने के लिए जिस संशोधन की आवश्यकता थी उस संशोधन को इसमें करने का लक्ष्य तय किया गया है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि पिछले 1980 के बाद हमारे देश में जो वन भूमि को परिवर्तित किया गया उसके लिए हमने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के विषय को रखा है और ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन देश के जो कार्बन सिंक है उसको बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको विनियमन करने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त निर्देश देने के जो अधिकार है उसको इस बिल में लाने के लिए प्रावधान किया गया है। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा इस बिल की कुछ मुख्य विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, इस बिल का जो नाम है हमने अब वन संरक्षण एवं संवर्धन रखा है। इस बिल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश के वनों का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए देश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मजबूत करने के लिए हम इसमें संशोधन लेकर के आए हैं। और इसीलिए ये देश का जो बिल है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमारे देश का जो बिल हो वो देश की जनता के भाषा के नजदीक हो, और इसलिए हमने अंग्रेजों के किए हुए
फॉरेस्ट वर्क वर्ड को त्याग करके इसका नाम ही वन संरक्षण और संवर्धन विधेयक करा है, जो देश के सभी लोगों की मूल भाषाओं के नजदीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लैंड डाइवर्जन का विषय है, उसमें जो भूमि है उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो अस्पष्टताएं हैं, उसको दूर करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान में है कि आज भारत की बॉर्डर के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो विषय है, उनकी रणनीतिक और जो सुरक्षा संबंधी विषय है, वहां पर उसको दूर करने के लिए वहां पर जो हमारी सड़कों का जाल है वो बिछाना बहुत आवश्यक है। मैं आपको ये कहना भी चाहूंगा, पिछले दिनों लद्दाख में चुशुल तक के एरिया में जाकर के आए, वहां लगभग माइनस डिग्री टेम्परेचर पे भी हमारे सेना के जवान रहते हैं, लेकिन हमने अनेक कारणों से उनका तरफ जो सड़कें, जो आवागमन के साधन है, उनको जाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। दूसरा एक और विषय है, जो सार्वजनिक सड़कें हैं या रेलवे के किनारे जो छोटे प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों को भी सुविधा देने का इसमें ये विषय किया गया है। एक जो तीसरा विषय देश में है, हम लोगों ने सामाजिक वानिकी को बढ़ाया, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट क्षेत्र में फॉरेस्ट लगाने से डरते हैं। उनको लगता है अगर प्राइवेट क्षेत्र में हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो कल को हम उसको काट नहीं पाएंगे। इस देश की जो बहुत बड़ा जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम बाहर से टीक का और वुड का हम बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर जैसा एक बहुत बढ़िया पेड़ मिलता है, जिसके अंतर्गत लोगों को विकास की संभावनाएं हैं, इन क्षेत्रों में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बिल के अंदर हम परिवर्तन लेकर के आए हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अधिक गतिविधियों में वन संरक्षण के लिए वानिकी जो गतिविधियों के अंतर्गत श्रेणी को बढ़ाने का काम किया है। जब तक हम फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में श्रेणी को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम ज्यादा विकास के विषयों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को हमने एक रूपता करने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, हमको पता है विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण आज हमको बहुत सारे विषयों पे, आज जो भूकंप का क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण कराने के लिए, आज जो जमीन के नीचे संपदा है उसका सर्वेक्षण कराने के लिए, जांच और जो बाकी के जो हमको लगातार सर्वे करने पड़ते हैं, उसको गैर वन उसको हमने समायोजित करके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए अभी तक जो लगातार न्यायालय के जो निर्णय में हम तरह तरह का जो एक तरीके से बार बार हम हस्तक्षेप देखते थे, उसका एक कारण था कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, उसमें सरकार को एक सुनिश्चित तरीके से निर्देश देने का अधिकार नहीं था। उन अधिकारों को देने का भी हमने काम किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये देश के लिए काफी एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो निजी भूमि पर जो हम फॉरेस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देश में एक और जो विषय है, आज जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो एरिया है, जहाँ पर हमको पता है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में, जहाँ नक्सल इतना नीचे तक उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है कि हम वहाँ पर कोई विकास नहीं कर सकते, वहाँ पर हम बिना कोई परमिशन के चीजें नहीं ले जा सकते। और हम जानते हैं कि हमारे ट्राइबल बंधु जो हैं, उनको स्कूल चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको छोटी छोटी प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता चाहिए, उनको रास्ता दे करके विकास और सम्मान पूर्वक जीवन देने का काम ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हम लोग लाने के बाद कर रहे हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं नियंत्रण और वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं की और सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 10 हेक्टर तक की भूमि को की छूट से देश के अग्रिम क्षेत्रों में, विशेष रूप से रणनीतिक और बुनियादी ढांचे में देश में एक नई मजबूती मिलने का काम रहेगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में हम वानिकी संचालन, निगरानी, पर्यवेक्षण और जंगल की जो आग है उसके रोकथाम के विषयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वन्य जीव हैं,
वो वन्य जीवों को जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको अलग से रेस्क्यू सेंटर जैसे बनाने, विषयों के लिए जो फॉरेस्ट के पास का एरिया है वहां पर भी हमने इसके अंतर्गत अधिकारों को चिन्हित किया है। माननीय सभापति महोदय, ये बिल एक दूरगामी परिवर्तनों को लेकर के आ रहा है, समय समय पर इसको बार बार रेखांकित किया गया है और इसीलिए सरकार ने इस बिल को इस सदन में लाने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद उपस्थित थे और मैं बधाई देना चाहूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार के बिल को एज इट इज स्वीकार करते हुए सदन में पेश किया है। ये सभी सदस्यों की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो हमारे सदन की जो समिति की जो परंपरा है उसके आधार पर व्यापक विचार विमर्श करके, स्टेक होल्डर से बात करके, गवर्नमेंट से बात करके, डिपार्टमेंट से बात करके, ट्राइबल से बात करके, सीमावर्ती क्षेत्रों से बात करके, एक व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से समिति ने जो अनुशंसा दी है वो विधेयक के रूप में है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित करके देश के ट्राइबल क्षेत्र के हमारे ट्राइबल को देश की सुरक्षा के लिए और विशेष रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पीड़ित जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए, देश के कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए, एनडीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए और देश के विकास के प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत के विजन को बढ़ाने के लिए इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय